हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अम्माद खान और इस वीडियो में मैं डिज़ाइन करने वाला हूँ यूट्यूब थंबनेल इमेज। सबसे पहले हम जाएंगे गूगल पे और एक ये मेरे यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब करें ताकि अगली वीडियोस जो है आपको आसानी से मिलती रहे। सबसे पहले मैं जाऊँगा गूगल पे, जाके मैंने पहले सर्च किया हुआ है कॉरपोरेट मैन और मैंने ये इमेज सेलेक्ट की है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ और सबसे पहले मैं न्यू फाइल लेता हूँ, उसके बाद फिल्म एंड वीडियो में जाता हूँ और 1280x720 वाला साइज़ में सेलेक्ट करता हूँ। रेजोल्यूशन 72, 1280 बिट एंड हाइट 72 पिक्सल्स एंड आरजीबी मोड। ओके, क्रिएट। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद मैं कंट्रोल बी से इस इमेज को पेस्ट करता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा इमेज का साइज़ में ऑल्ट शिफ्ट प्रेस करके इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। अब उसके बाद मैं जाता हूँ सेलेक्ट में एंड कलर रेंज, और उसके बाद मैं यहाँ से कलर रेंज को पिक करता हूँ। प्लस दबाऊँगा तो मैं और ज़्यादा कलर भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट कलर रेंज एंड ओके। लेयर में गए और न्यू एडजस्टमेंट लेयर, ह्यू सेचुरेशन, ओके। उसके बाद मैं यहाँ से ऑल्ट प्रेस, ऑल्ट दबाते हुए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरी ऐसे ब्लैक एंड वाइट हो गई इमेज। अब उसके बाद मेरा जो फोरग्राउंड कलर है मेरा ब्लैक होना चाहिए, और मैं यहाँ से एक्स प्रेस करता हूँ या तो यहाँ से इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरा ब्लैक आ जाएगा। अब यहाँ से इस यहाँ पे जो ये कुछ वाइट हिस्से आ रहे हैं इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। जल्दी जल्दी करते हैं ताकि टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। ठीक है, अब उसके बाद मैं यहाँ पे लेयर पे क्लिक करूँगा तो मेरी ऑटोमेटिक जो पहले लेयर थी उसी तरह हो जाएगी। उसके बाद मैं यहाँ पे कंट्रोल दबाता हूँ तो मेरे पास ये छोटा सा बॉक्स आ गया है। अब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सेलेक्ट हो चुका है। अब मैं शिफ्ट F6 दबाता हूँ फेदर देने के लिए। अब मैं इस पर थोड़ा सा फेदर देता हूँ 0.3 एंड एंटर। अब मैं इसको बंद करता हूँ या तो नहीं भी बंद करो तो लेयर वन को मैंने सेलेक्ट किया, एक डुप्लीकेट लेयर कर लेता हूँ ताकि बाद में मसला हो जाए तो मैं दोबारा ये यूज़ कर सकूँ। ओके किया मैंने, उसके बाद मैंने इस लेयर को मैंने बंद कर दिया। अब शिफ्ट F6 मेरा प्रेस हुआ हुआ है तो मैं डिलीट करूँगा इसको, 1, 2 एंड 3 मैंने इसको डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ और इसको मेरे फाइल हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। फाइल हॉरिजॉन्टल करने के बाद मैं इसको सब कोने पे बिल्कुल यहाँ पे ले जाके इसको मैं छोड़ देता हूँ। अब उसके बाद मुझे बैकग्राउंड का कलर देना है कंट्रोल जे से, इसको मैं अनलॉक कर देता हूँ या तो मैं एक और लेयर बना सकता हूँ। अब मैं इस पर मुझे ग्रेडियंट एफेक्ट्स में जाके मैंने ग्रेडियंट सेलेक्ट किया, मैंने इसको पहले से किया हुआ था तो इस वजह से मेरा ग्रेडियंट आ गया। अब मैंने इसको दोबारा बता दो, मैंने कलर चूज़ कैसे किया था, जैसे मैंने ये वाला कलर मेरा चूज़ हुआ है तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैंने जो इसके ड्रेस है, ड्रेस से मैंने कलर लिया है, मैंने ड्रेस से कलर लेके इसको थोड़ा सा ब्राइट कर दिया नीचे से और मैंने यहाँ से डार्क कलर ले लिया। नीचे का कलर थोड़ा सा डार्क करेंगे, ओके किया। अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया मामला क्लियर। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा ये मेरे एजेस जो है वाइट वाइट हो रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा सा अच्छा करने के लिए एफएक्स में जाके मैं इसको ग्लो देता हूँ। अब मैं ग्लो दे रहा हूँ तो इसको मैंने थोड़ा सा ग्लो दे दिया। ये मेरा बैकग्राउंड कटिंग सही हुई नहीं है इस वजह से ये आ रहा है। अब मैं इसे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर देता हूँ। इरेजर टूल लिया, 100% ओपेसिटी फ्लो 100% होना चाहिए और ब्रश साइज़ जो है एकदम ये वाला होना चाहिए। अगर इधर ये हार्डनेस इसकी अगर कम होगी
तो फिर इसके बाद ये ऐसा सही नहीं कटेगा, सही रिमूव नहीं होगा। तो मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से इसको मैंने कर दिया। अब ये रह गया थोड़ा सा मेरा, ये हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ टेक्स्ट, मैंने नेक्सा हाउ टू डिज़ाइन। अब मैं इसको कलर कर देता हूँ वाइट। एक सेकेंड, मुझे लाना है यूट्यूब का लोगो। यूट्यूब लोगो मैंने सर्च किया हुआ है पहले से। मैं इसको कॉपी इमेज करता हूँ एंड पेस्ट। पेस्ट करने के बाद मैंने डब्ल्यू प्रेस किया तो मेरा कोई सिलेक्शन मैजिक पेन टूल आ गया। मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह के इसको सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट F6 किया और इसको 0.2 फेदर दे के डिलीट कर दिया। फेदर में गाइज इसलिए देता हूँ ताकि मेरे एजेस जो हैं, मैं इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देता हूँ ताकि मैं अगर छोटा बड़ा कर सकूँ तो मेरे लिए ये पिक्सलेट ना हो। गाइज मैं फेदर इस वजह से देता हूँ ताकि मेरी एजेस जो हैं ये थोड़े मेरे शार्प हों और क्रिस्प एजेस हैं। अब मैं इसको, ये मेरे एकदम दोनों टेक्स्ट मिल गए तो मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ाता हूँ नीचे से और इसको मैं देता हूँ रेड कलर। इसको मैंने रेड कलर दे दिया है। इसका साइज थोड़ा मुझे बढ़ाना है। इसका साइज हो गया है। अब मैं यहाँ से शेप टूल लेता हूँ और मैं यहाँ से इसको शेप टूल लेता हूँ। उसके बाद मैं इसको कलर देता हूँ प्योर वाइट और इन दोनों को थोड़ा सा मुझे बड़ा करना है। दोनों मैंने लेयर सिलेक्ट की दोनों की और इन दोनों को थोड़ा मैंने बड़ा कर दिया। अब यूट्यूब के लिए इस लेयर को मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद डबल क्लिक करता हूँ, सी मैंने प्रेस किया तो मेरा क्रॉप टूल आ गया। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा करता हूँ ताकि अगर मैं यहाँ पे स्ट्रोक दूँ तो मसला ना हो। उसको मैं पहले एम प्रेस करके रेक्टेंगल टूल लिया, कंट्रोल एक्स एंड कंट्रोल शिफ्ट वी करूँगा तो मेरा उसी जगह पे ही पेस्ट हो जाएगा। एफएक्स में जाके स्ट्रोक दिया, स्ट्रोक मैंने वाइट देता हूँ फुल वाइट एंड थोड़ा कम। कंट्रोल एस दबाया तो मेरी यहाँ पे इसको ऑटोमेटिक स्ट्रोक आ गया। अब उसके बाद मेरा रह गया है थंबनेल। थंबनेल मैंने लिखा और उसके बाद मैं इसका कलर देता हूँ। मैंने ये कलर चूज़ किया सो मैंने इसको कलर मैंने वाइट दिया हुआ है तो वाइट सेलेक्ट किया। उसके बाद इसको स्ट्रोक देता हूँ मैं यहाँ से, स्ट्रोक दिया और उसकी ओपेसिटी थोड़ी मैंने कम कर दी। इस इमेज को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, थोड़े से इसके कोने इरेजर से मैं रिमूव कर देता हूँ। इसका साइज थोड़ा बढ़ाता हूँ, रेक्टेंगल देखेगा। इस वजह से मैंने यूट्यूब का जो है, यूट्यूब के लोगों को मैंने स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया था ताकि मुझे बाद में परेशानी ना है। देखें गाइस हमारा थंबनेल जो है तैयार हो चुका है। इसको थोड़ा सा स्ट्रोक इसका इसको रिमूव करता हूँ। अब मेरे पास फोटोशॉप का मुझे लोगो चाहिए। अगर मैं यहीं से फोटोशॉप का आइकन उठा लेता हूँ यहाँ से उठा के, वैसे इसकी ज़रूरत तो थी नहीं लेकिन मैंने इस वजह से लगाया था ताकि मैंने ही फोटोशॉप में डिज़ाइन किया है। इसको मैं चाहूँ तो थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ।
गाइस अगर हम इस इमेज को अगर स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद एडिटिंग करें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अभी मेरे पास टाइम नहीं है, इस वजह से जो है मैं वो कर सकता हूँ, लेकिन जो है मुझे दोबारा से पूरा काम करना पड़ेगा। इस वजह से स्मार्ट ऑब्जेक्ट पहले कर देते तो फिर इमेज जो है पिक्सलेट नहीं होगी। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ मैं, और साइज इसको थोड़ा सा, इसका क्या साइज है, 131.131 कर देता है इसको भी 131। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर देता हूँ, 100 100 नहीं, 130 का थोड़ी हाइट कम कर देता हूँ। ठीक है गाइस, इसको ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक ज़रूर करें वीडियोस को, और कमेंट ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।